आजमगढ़ जिले से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि निजामाबाद पुलिस ने फलिया रेलवे स्टेशन के समीप झाड़ियों में चल रहे अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके पर आरोपी के पास से 4 तमचा कारतूस, 2 अर्धनिर्मित तमचा और असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस मंगलवार की रात्रि में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, उसी समय स्वाट टीम प्रभारी नंद कुमार तिवारी और प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिव अपनी टीम के साथ अपराधियों के धरपकड़ की बात कर रहे थे कि उसी समय मुखबिर की सूचना मिली कि फरिया रेलवे स्टेशन के कुछ दूर झाड़ियों में एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहा है जो कोई अवैध कार्य करने के फिराक में है। जिसके सूचना पर पुलिस बताए हुए स्थान पर पहुंची, पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ा। पकड़ा गया व्यक्ति जितेंद्र विश्वकर्मा जिला मऊ घोसी कोतवाली क्षेत्र का राय सादी महजिदिया का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि पूर्व में भी अवैध तमचा बनाते समय गिरफ्तार हुआ है। पुलिस टीम के प्रभारी निरीक्षक शिव शंकर सिंह, स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक नंद कुमार तिवारी द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया। इसके विषय में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जितेंद्र विश्वकर्मा अवैध असलाह में पहले भी लिप्त रहा है जो कि जेल जा चुका है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। विपिन सिंह की पकड़ी गई है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पकड़ी गई फैक्ट्री में 3 तमंचे हैं, अर्धबने तमंचे हैं, शस्त्र बनाने के बाकी साज सामान है और जिस चीज से ये अवैध शस्त्र बनता है वो सारे उपकरण पाए गए हैं। ये एक शातिर अभियुक्त है, मऊ में भी पहले शस्त्र फैक्ट्री में शस्त्र बनाते हुए गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है और इस पर 3 मुकदमे पहले से भी हैं। तो ये एक अच्छे कामयाबी है और जो अवैध शस्त्रों का जो निर्माण होकर जो अपराधों में प्रयुक्त होते हैं उससे निश्चित रूप से इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मऊ में ये पहले पकड़ा गया था और मऊ में इस पर 3 अभियोग पहले से हैं और शस्त्र बनाते हुए ये वहाँ पर पकड़ा गया था। शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार होकर जेल गया था, यहाँ भी शस्त्र बना रहा था और वहाँ से मऊ छोड़ के अब हमारे यहाँ फरिया रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ये शस्त्र बना रहा था जहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है और ये शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है। देखिए, तमंचे बरामद हुए हैं, अर्धबने तमंचे बरामद हुए हैं, इसके अलावा तमंचे बनाने का सामान बरामद हुआ है और शस्त्र जो उसका जो अन्य उपकरण है वो बरामद हुआ है।